हेलो वेलकम बैक फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त दानिश और आप देखना शुरू हो चुके हो टैकी बस, जहां पर हम सीख रहे हैं डेल्टा पीएलसी के अंदर प्रोग्रामिंग किस तरीके से करते हैं। ये पूरी सीरीज उसी के ऊपर बेस्ड है। तो अभी तक हमने एनालॉग सिग्नल का इनपुट और आउटपुट देख चुके हैं। तो अब जो हम नया टॉपिक देखने वाले हैं यहाँ पर, वो देखने वाले हैं कि कैसे हम अपनी डेल्टा पीएलसी के अंदर एक्सटेंशन मॉड्यूल्स को ऐड करें, क्योंकि बहुत से पीएलसी ऐसे होते हैं जो इनबिल्ट इनपुट आउटपुट फंक्शन को सपोर्ट नहीं करते। वो भी कौन से इनपुट आउटपुट फंक्शन, जो कि एनालॉग इनपुट आउटपुट पर बेस्ड होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, इस वीडियो में यही सब देखेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो वेलकम बैक अगेन फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं अपनी डेल्टा पीएलसी की स्क्रीन पर। तो ये सब सीखने के लिए आप कम से कम पूरा वीडियो देखिएगा कि किस तरीके से हम यहाँ पर अपने एक्सटेंशन मॉड्यूल्स को ऐड करेंगे। तो हम फाइल पे जाके सिंपल न्यू प्रोग्राम ऐड करेंगे और यहाँ से हम अपना मॉड्यूल सिलेक्ट करेंगे। तो मोस्टली हम SS2 ले लेते हैं, क्योंकि 14 SS2 यूज़ करते हैं बहुत से लोग। तो हम वही PLC मॉड्यूल लेंगे जो एक्सटेंशन मॉड्यूल्स सपोर्ट करता हो। तो ठीक है, SS2 लेते हैं और ओके करते हैं। सिंपल यहाँ पर हमारी टैब ओपन हो जाएगी। तो आप देखिए यहाँ पर ये जो बार है, आइकन बार है, देखिए यहाँ पर ये सिंपल यहाँ पे ऑक्सिलरी सेटअप फॉर एक्सटेंशन मॉड्यूल्स दे रखा है। आपको जस्ट इस पे क्लिक करना है। तो देखिए यहाँ पर आपके कितने नंबर हो, 8 नंबर के 8 नंबर आ चुके हैं जो एक्सटेंशन मॉड्यूल्स आप ऐड कर सकते हो। यानी आप एक पीएलसी के साथ मिनिमम और मैक्सिमम कितने मॉड्यूल्स ऐड कर सकते हो, 1 या 8। ठीक है, तो हम यहाँ 0 वाला सेलेक्ट करते हैं। और देखिए ये सब इसके टाइप दे रखे हैं, जो भी आप एक्सटेंशन मॉड्यूल्स ऐड करना चाहते हो उसका यहाँ पे ऑलरेडी क्या दे रखा होगा, मॉड्यूल नंबर दे रखा होगा। तो देखिए DVP04AD यानी 4 चैनल का है आपके पास, 06 6 चैनल का है, 02 यानी डिजिटल आउटपुट देगा ये। तो इस तरीके से यहाँ पे देखिए ये PT है, प्लेटिनम के जो आपके टेम्परेचर सेंसर आते हैं PT, और यहाँ ये TC थर्मोकपल टाइप के सेंसर्स हो गए। तो हम यहाँ पे मान लीजिए मोस्टली कौन से थर्मोकपल्स के ही हम यूज़ करते हैं इंडस्ट्रीज में, थर्मोकपल हो गया, PT हो गया, प्लेटिनम वाला हो गया। तो ये सब क्या है, टेम्परेचर सेंसर है, तो हम टेम्परेचर सेंसर ही मोस्टली यूज़ करते हैं। तो टेम्परेचर सेंसर का ही हम एक एक्सटेंशन मॉड्यूल ऐड करके देखते हैं कि किस तरीके से ये काम करता है। तो आप सिंपली DVP04TC पर क्लिक करिए, या आप PT पर करना चाहे PT ले, अगर आपके पास प्लेटिनम वाला है, PT 1000 है, PT 1000 है, या PT 2000, जो भी है आपके पास PT का अवेलेबल, तो आप वो ले सकते हो। तो हमारे पास यहाँ थर्मोकपल ले लेते हैं। थर्मोकपल सिंपल मोस्टली यूज होता है 15 to 2000 टेम्परेचर्स तक, आराम से यूज कर पाते हैं हम इसको। तो TC का लेके हम यहाँ पे सिंपल क्या करेंगे, सेटअप पर क्लिक करेंगे। सेटअप पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ देखिए 010 वो सॉरी #0001 अब तू कहाँ तक जा रहा है, 34 तक। ठीक है, अभी हम देखेंगे क्या चीज़ है और कैसे इसको यूज़ कर पा रहे हैं। तो देखिए जब अगर आपको अपने प्रोग्राम में मॉडल नंबर चाहिए, ठीक है, कि हम कौन से मॉडल का सेंसर वो सॉरी एक्सटेंशन मॉड्यूल यूज़ कर रहे हैं, तो आप सिंपल यहाँ क्या करेंगे, रीड पे क्लिक करेंगे और LDM 1000, यानी 1000 क्या था, हमेशा NO है, जैसे ही आपका रन स्टेट में रहता है हमेशा क्या देता है आपको, ऑन स्टेट देता है। तो प्रीव्यू करेंगे और एड टू लिस्ट कर देंगे। तो देखिए जो यहाँ पे ये इंस्ट्रक्शन लिस्ट बनी है, हम एक बार इसको समझ लेते हैं कि इंस्ट्रक्शन लिस्ट कैसे बनी है ये। ठीक है, देखिए LDM 1000 यानी देखिए कंडीशन क्या है, लोड करना है मुझे मेमोरी 1000 यानी NO। ठीक है, हम सिंपली एक लॉजिक बना देते हैं अपना, तो LDM 1000 लगा देते हैं। LDM 1000 लिख दिया तो सिंपली क्या लेता था, वो एक NO स्विच लेता है और उसकी जो एड्रेसिंग करता है वो M1000 से करता है। ठीक है, फ्रॉम यानी कहाँ से डेटा रिसीव करना है, डेटा कहाँ से रिसीव कर रहा है हमारा PLC, फ्रॉम। ठीक है, फ्रॉम का मतलब कहाँ से आ रहा है, फ्रॉम सिंपल हम समझ गए कि जैसे हम एक लेटर पोस्ट करते हैं तो उसमें फ्रॉम और टू लिखते हैं ना, कि टू किसके लिए जा रहा है और कहाँ से आ रहा है, तो उसके लिए हम लिख देते हैं फ्रॉम। तो सिंपल यहाँ पे वही फ्रॉम और टू की कमांड यूज होने वाली है। तो देखिए फ्रॉम K0, देखिए K0 और K0 ये क्या है, देखिए जो स्टार्टिंग वाला K0 है ये सिंप्लीफाई करता है आपका एड्रेस, यानी एड्रेस किसका, एक्सटेंशन मॉड्यूल का, क्योंकि अभी हमने कौन से
मॉड्यूल पे लिया है ये जीरो पे। अगर हम यहाँ पे वन मॉड्यूल लेते तो ये जीरो वन शो करता, यानी अगर आप दो मॉड्यूल्स एक साथ चला रहे हो तो रिसीव कहाँ से होना चाहिए, जीरो से या वन से, ठीक है। तो अगर आपके पास एनालॉग सेंसर मतलब एनालॉग एक्सटेंशन मॉड्यूल लगे हुए हैं तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से मॉड्यूल से हमें डेटा रिसीव हो रहा है। या तो आपके चैनल जीरो से हो रहा है मतलब एक्सटेंशन मॉड्यूल जीरो से, या आपके एक्सटेंशन मॉड्यूल वन से। मान लीजिए दो सेंसर आपने लगा रखे तो दोनों से रिसीव करोगे ना आप डेटा, तो ये चीज बताता है आपको शुरू का जीरो मतलब के जीरो, ठीक है, यानी जीरो जीरो। अनदर जीरो बताता है कि ये जो आपके पास ये नंबर्स हैं यानी ये कौन से एड्रेस पे डेटा ले रहे हैं हम, ये सब एड्रेसेस हैं। पहला एड्रेस किसका, एक्सटेंशन का। दूसरा एड्रेस किसका, जो हमारे पास जो डेटा है उसका एड्रेस। डी जीरो क्या है यहाँ पे, जहां पर डेटा सेव होगा। और के वन क्या है, नंबर ऑफ डेटा पर मिनट, ठीक है, जो भी उसकी डेटा साइकिल है उसके हिसाब से हम यहाँ पर ले रहे हैं। नंबर ऑफ डेटा देखिए अगर टू ले लेते हैं तो प्रीव्यू करेगा और एड लिस्ट कर देंगे, तो देखिए LDM 1000 के जीरो डी जीरो में सेव होगा और के टू, ठीक है। तो सिंपल हमने क्या करा है यहाँ पे, ये करा है। अभी हम दोबारा से कैंसिल कर लेते हैं तो देखिए अब यहाँ पे दो, अगर हम दो ले लेते हैं तो दो का कैसे सेटअप होगा, देखिए यहाँ पर जैसे आप यहाँ रीड करेंगे और LDX0 ही करते हैं और प्रीव्यू करते हैं और एड टू लिस्ट करेंगे तो देखिए क्या हुआ, LDX0 और सिंपल K1, यानी K1 क्या है, अनदर एक्सटेंशन मॉड्यूल आप ऐड कर चुके हो अपने PLC के साथ, ठीक है। तो हम कैंसिल कर देते हैं यहाँ पे और इसको भी अनटिक करते हैं। अब आते हैं सेटअप में, फिर से सिंपल हम मॉड्यूल नंबर ले ले रहे हैं इसका, LDM सिंपल M1000 करेंगे और डेटा D0 में ही सेव होगा। रिव्यू करते हैं और एड टू लिस्ट कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे थर्मोकपल टाइप चूज करना है हमें, ठीक है। थर्मोकपल टाइप कैसे चूज करेंगे, देखिए अब हमें क्या करना है, राइट करना है जो भी डेटा किससे आ रहा है आपका, एड्रेस से आएगा मतलब सॉरी, जो भी आपका एक्सटेंशन मॉड्यूल से आएगा वो किस में जाना चाहिए, आपके पीएलसी में। तो हम क्या करेंगे टू, ठीक है, जो भी आप डेटा रिसीव करोगे एक्सटेंशन मॉड्यूल में सेंसर के थ्रू आया और वो किस में आ गया आपके एक्सटेंशन मॉड्यूल में। अब एक्सटेंशन मॉड्यूल क्या करेगा, वो सेंड करेगा पीएलसी को, ठीक है। तो पीएलसी को हम क्या करेंगे, LDM LDI लेना है, यानी आपको पल्स हाई पल्स पे लेना है या फॉल एज पे लेना है, किस तरीके से लेना है, या LD इनवर्स लेना है। तो हम यहाँ पे सिंपल LD लेंगे और M1000 अगेन सिंपल M1000। और अब यहाँ पर आपको चूज करना है किस टाइप का आपका थर्मोकपल है, जे टाइप है, के टाइप है, आर टाइप है, एफ टाइप है, टी टाइप है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा आप थर्मोकपल यूज कर रहे हैं, किस स्पेसिफिकेशन का यूज कर रहे हैं, कहाँ यूज कर रहे हैं, तो उसी हिसाब से अलग अलग थर्मोकपल आते हैं। तो हम यहाँ पे सिंपली कुछ नहीं है हमारे पास, हम तो सॉफ्टवेयर पे सिमुलेटर कर रहे हैं तो हम जे टाइप ले लेते हैं, ठीक है, जे या मान लीजिए मोस्टली के टाइप ले लेते हैं, ठीक है। इसको प्रीव्यू कराएंगे और एड टू लिस्ट करा देंगे, तो यानी जो भी डेटा है वो हमारा किसमें आ गया, ये हमने सेट कर दिया अपना LDM 1000 और ये सब डेटा इसका सेट हो चुका। अब हमें क्या करना है, रीड करना, रीड भी करना है। तो सिंपल M1000 फिर से लेंगे और जो भी डेटा आएगा वो मान लीजिए हमने D10 में करा, क्योंकि डी जीरो हम क्या कर चुके हैं ऑलरेडी मॉडल नंबर के लिए ले चुके हैं। हमेशा ये याद रखिएगा यहाँ पे कि जो भी आपका डेटा रजिस्टर होता है वो चेंज करते रहना है आपको अपनी अपनी अलग अलग रिक्वायरमेंट के हिसाब से, या आप जो भी चीज दे रहे हो। तो ठीक है, हमें यहाँ पे ये सब चीजें रीड करने की वैसे भी जरूरत होती नहीं है तो हम इसको हटा ही देते हैं, ठीक है। हमें क्या करना है कि सिर्फ रजिस्टर को इंस्ट्रक्शन देनी है, सॉरी एक्सटेंशन मॉड्यूल को इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करानी है कि जो हमारा सेंसर लगा हुआ है वो के टाइप है। प्रीव्यू करेंगे और एड टू लिस्ट कर देंगे, ठीक है। हम ऑलरेडी कर चुके हैं इसको लेकिन फिर से हमने गलती से कर दिया। अब देखिए यहाँ चैनल एवरेज टाइम, यानी कितने टाइम्स में हमें वैल्यूज चाहिए, एवरेज सेल्सियस टेम्परेचर, जो भी हमारा एक पर्टिकुलर टाइम हमने गिवन किया है इसमें क्या एवरेज टाइम एवरेज टेम्परेचर आया वो हमें प्रोवाइड करेगा, ठीक है। यही सारे चैनलों के लिए, देखिए यहाँ चार चैनल का है तो चैनल वन का एवरेज टाइम हम यहाँ सेट कर देते हैं। जो भी हमें सेट करनी है कंडीशन उसके लिए हम टू का इंस्ट्रक्शन यूज करेंगे
और जो भी हमें इंस्ट्रक्शंस अपने एक्सटेंशन मॉड्यूल से पीएलसी के अंदर रिसीव करनी है उसके लिए हम फ्रॉम का यूज करेंगे। तो हमें क्या करना है, राइट करना है, ठीक है। तो एलडीएम 1000 अगेन दे देंगे हम, ठीक है। सेट वैल्यू यहाँ पे मान लीजिए 10 दे दिए और यहाँ पे नंबर ऑफ डेटा भी हमने 1, यानी हर 10 सेकंड के लिए एक डेटा वो रिसीव करेगा। रिव्यू करेंगे, एड टू लिस्ट करेंगे, एवरेज एवरेज में जाइए, ठीक है। एवरेज में यानी कौन सा हमें एवरेज चाहिए, तो अब ये रीड करेंगे सारी चीजें हम, ठीक है। ये सारी चीजें क्या थी, हमें जो अपना एक्सटेंशन मॉड्यूल है उसको सेटअप किया है हमने, थर्मोकपल उसको बताया कि कौन से टाइप का हम यूज कर रहे हैं। हमने एवरेज टाइम बता दिया कि भाई हमें 10 सेकंड तक के लिए वैल्यूज चाहिए, 10 सेकंड में एक एक वैल्यू ले, या 4 सैंपल्स ले, 10 सैंपल्स ले हर 10 सेकंड में, वो हमारे ऊपर डिपेंड करेगा कि हम किस तरीके से इसको स्पेसिफाई कर रहे हैं, ठीक है। अब एवरेज सेल्सियस पे आ जाते हैं। तो मान लीजिए एवरेज सेल्सियस, एवरेज जो टेम्परेचर है वो सेल्सियस में आना चाहिए और वो M1000 पे ही आना चाहिए, ठीक है, जब मुझे देखना है। और डेटा किस में सेव होगा, वो D10 के रजिस्टर में। प्रीव्यू करा और एड टू लिस्ट करा। अब मान लीजिए मुझे एवरेज फ़ारेनहाइट का टेम्परेचर चाहिए, सेल्सियस तो चाहिए ही चाहिए था, अब फ़ारेनहाइट में भी मुझे चाहिए, तो सिंपल वही लॉजिक हम यूज़ करेंगे, M1000 ले लेंगे और D10 हम यूज़ कर चुके हैं, तो मान लीजिए D हम 20 ले लेते हैं, यानी 20 के अंदर कौन सा डेटा शो होगा, फ़ारेनहाइट वाला। रिव्यू करेंगे, एड टू लिस्ट करेंगे, हम इंस्ट्रक्शन लिस्ट यहाँ बनाते जा रहे हैं। अब मान लीजिए कोई प्रेजेंट का चाहिए, एवरेज नहीं चाहिए, जो एक्चुअल में उस बॉयलर के अंदर या किसी भी जो भी आपकी भट्टी है, बॉयलर है, कोई भी एक ऐसी डिवाइस है जहाँ टेम्परेचर की हमें ज़रूरत पड़ रही है, तो हम वहाँ पर क्या चाहते हैं कि प्रेजेंट सेल्सियस जानना चाहते हैं या प्रेजेंट टेम्परेचर जानना चाहते हैं कि एक्चुअल टाइम पर क्या है टेम्परेचर, एवरेज नहीं जानना चाहते हम, एक्चुअल जानना चाहते हैं, तो हम वहाँ प्रेजेंट वाला यूज़ करेंगे। सिंपल वही करेंगे, एलडीएम 1000 करेंगे, ठीक है। और फिर से डेटा रजिस्टर कोई सा ले लेंगे, जैसे मान लीजिए 20 लिया था, तो अब हम यहाँ 30 ले लेते हैं और रिव्यू करके एड टू लिस्ट कर लेते हैं, ठीक है। ऑफसेट वैल्यूज यानी कितने का रेंज चाहिए हमें, रेंज एक वैल्यू से दूसरी वैल्यू के अंदर रेंज ऑफसेट हो गया। एरर स्टेटस और इन सब चीज़ों में हम ज़्यादा कुछ करते नहीं है, जैसे कम्युनिकेशन बॉड रेट हो गया तो 9600 BPS पे ही चाहिए, या अगर आपको और ज़्यादा चाहिए तो 1500 का ले लेते हैं हम, जैसे ये रहा 96 की जगह हम यहाँ पे ये वाला बिट रेट ले लेते हैं, 1,52,000 का ले लेते हैं, 1,15,200 का, ठीक है। तो हम यहाँ पे ज़्यादा कुछ करते नहीं है, ये 9600 BPS का जो बॉड रेट है ये एकदम परफेक्ट बॉड रेट रहता है इंडस्ट्रीज़ के अंदर, ज़्यादातर हम इसी बॉड रेट पर काम करते हैं, तो हम इसको कुछ नहीं करेंगे। सिर्फ हमें जो रीड करने के लिए इंस्ट्रक्शंस हैं वो हमारे ऊपर वाले हैं, ये अब 0 से आपके 22, 27 तक हम यहाँ पर चेक करते हैं, ठीक है। और इसके बाद हम सिंपल क्या करेंगे, ओके और अनदर ओके। तो देखिए यहाँ पर आपका जो लॉजिक है वो क्रिएट हो चुका है, सिंपल। आप बस क्या करेंगे, जैसे ही आप सिमुलेटर पर ऑन करेंगे और यहाँ कोड को कंपाइल करेंगे, तो देखिए कंपाइलिंग इज कंप्लीट, यानी आपका जो प्रोग्राम बना हुआ है ये, इसमें कोई भी एरर नहीं है। तो पहली जो रंग थी वो किसकी थी, जो हमारा डेटा बता रही थी कि सॉरी एक्सटेंशन मॉड्यूल का एड्रेस बता रही है कि ये 0 क्या है, एक्सटेंशन मॉड्यूल 0 पर हमारा लगा हुआ है पीएलसी के साथ, एक्सटेंशन मॉड्यूल 0, ठीक है। 0 क्या है उसका, उसका अनदर एड्रेस है कि वहाँ कौन कौन से एड्रेसेस पे हम वैल्यूज पिक कर रहे हैं या कौन से एड्रेस पे हम वैल्यूज राइट कर रहे हैं। तो देखिए जो राइट कर रहे हैं वो 2 के इंस्ट्रक्शंस हैं, और जो हम उस एक्सटेंशन मॉड्यूल से ले रहे हैं वो फ्रॉम के इंस्ट्रक्शंस, ठीक है, 2 और फ्रॉम। और अगर आपको इसके बारे में जानना भी है तो आप एक बार इसके 2 पे क्लिक करिए और देखिए यहाँ पर आ जाइए। तो देखिए M1 नंबर ऑफ स्पेशल मॉड्यूल, ठीक है, कौन सा मॉड्यूल है, नंबर ऑफ CR यानी उसके कौन से डेटा रजिस्टर्स में वैल्यू है, यानी मैंने अभी यही आपको बताया कि कौन से उसके डेटा रजिस्टर्स से हम वैल्यूज उठा रहे हैं। D क्या है, डेटा लोकेशन है, यानी आपको डेटा राइट करना है, रीड करना है, ठीक है। और N डेटा वर्ड्स टू रीड एट वन टाइम, ठीक है, कितने टाइम के अंदर हम उसको डेटा को रीड कर रहे हैं, PLC रीड एंड डेटा एट अ टाइम, ठीक है।
कितने डेटा रीड करने चाहिए उसको, एक उसकी साइकिल है उसमें कितनी बार डेटा रीड करें, 2 बार 4 बार, वो हमारे ऊपर डिसाइड कर रहा है। ठीक है, हम वो हमें डिसाइड करना है कि कितनी बार करना है। सिंपल ओके करेंगे, सिंपल हमने कोड कंपाइल कर रखा है और यहाँ कैंसिल करते हैं, ऑनलाइन मोड में जाएंगे। इस वक्त कुछ कुछ भी शो नहीं करेगा ये, ठीक है, क्योंकि हमारे पास सिमुलेटर में सिर्फ, देखिए यहाँ क्या शो कर रहा है, K0 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 K0, क्योंकि जो भी वैल्यूज हैं वो ऑलरेडी क्या है, ये सिमुलेटर में है। जब तक कि अगर मैं मान लीजिए यहाँ पर D10 में चेंज वैल्यू करूँगा, K30 करूँगा, तो वो देखिए हमेशा वो मुझे 30 ही शो करता है। ठीक है, अगर आप अनदर प्रोग्राम इसके अंदर बनाना चाहते हैं कंपेयरिंग का, तो आप यहाँ पे वैल्यूज देंगे, वो उसके हिसाब से अपना वर्क करें। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस वीडियो में आपको समझ में आया होगा किस तरीके से आपको एक्सटेंशन मॉड्यूल्स अपने प्रोग्राम में ऐड करना है, क्योंकि हमारे पास सिमुलेटर है, सिमुलेटर में ये काम नहीं करता एक्सटेंशन मॉड्यूल। आप सिर्फ लॉजिक्स क्रिएट कर सकते हो और अपनी वैल्यूज को यहाँ पे इंटरचेंज करके अपने प्रोग्राम को चेक कर सकते हो। जब तक कि आप एक्सटेंशन मॉड्यूल्स को लगाओगे नहीं, ये फ्रॉम और टू के इंस्ट्रक्शन काम नहीं करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो में समझ में आया होगा कि किस तरीके से हमने एक्सटेंशन मॉड्यूल्स को अपने प्रोग्राम के लिए सेटअप किया है। तो देखते रहिए हमारे चैनल टैगी बस को और लाइक करें वीडियोस को, शेयर करें। नेक्स्ट वीडियोस में हम और भी इंस्ट्रक्शंस के ऊपर वीडियोस बनाएंगे। तो दैट्स ऑल, थैंक यू।